अभी हम जिंदगी में पहली बार इस माइक्रोमैक्स का एसी का प्रॉब्लम सॉल्व करने आए हैं और यहाँ सर के पास है दो माइक्रोमैक्स के एसी, जिनमें से एक एसी में मोटा मोटा सर ये बता रहे हैं कि इसका कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है। इसमें क्या प्रॉब्लम बता रहे हैं? इसमें तो कह रहे चल ही नहीं रहा, आउटडोर चल ही नहीं रही। क्या पता तो दबा के आया बटन, इंडोर ऑन है। हाँ, एसी की प्रॉब्लम ये है कि चल नहीं रहा है। खोलने के बाद एम्पियर चेक करें। सर 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 एक बार ना उसे फिर से ऑफ करके फिर ऑन कर दीजिएगा। अच्छा, एम्पियर टेस्ट कर रहे हैं। गैस तो है इसमें, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? चला नहीं, चला अभी, चला था अभी, टाइम लेगा ना 2-3 मिनट का। 180 प्रेशर अभी शो हो रहा है, एम्पियर बिल्कुल जीरो है क्योंकि आउटडोर ऑन नहीं हो पा रहा है। तो इसके स्क्रू खोलते हैं, कुछ तो गड़बड़ है। स्टार्ट हुआ और उसके बाद ऑफ हो गया। स्टार्ट हो रहा है लेकिन ऑफ हो जा रहा है, एम्पियर बहुत हाई आ रहे हैं। एक बार कैपेसिटर चेंज करके देखते हैं। सर एक मिनट, हाँ मुझे इसके वोल्टेज चेक करने पड़ेंगे। देखा एसी वोल्टेज अभी तो सर लग रहा है कि कैपेसिटर का प्रॉब्लम है। में जो प्रॉब्लम निकला है वो ये है, इसका थिम्बल जल गया है। चलो मैं यहीं से सप्लाई खोल लेता हूँ, फिर और क्या करूँ। क्यों कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है? मुझे लगता है कि दोबारा जोड़ने से ठीक हो जाएगा। क्या नाम है सिंह भाई? जरा प्लास देना, कोई प्लास है ना, उस प्लास फिर से जुगाड़ करके देखते हैं। हैं, कैपेसिटर नहीं अपने पास? नहीं, कैपेसिटर के टर्मिनल तो ठीक ही लग रहे हैं, देख लेते हैं अगर जला होगा तो। फिर मतलब एक बार उड़ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर चेंज के अलावा कोई रास्ता बचता नहीं है। चेक कर लेते हैं बाद में, इसमें थिम्बल लगा देंगे चेक करने के पश्चात। इसकी क्लिप भी पहले भी शायद चेंज हो चुका है, 45 का ही कैपेसिटर है, टच नहीं होना चाहिए बॉडी में। तो अब इसका दोबारा से कनेक्शन करने जा रहे हैं। अब इसमें हो सकता है कि सप्लाई ऑन भी हो और आर्क भी ले सकता है, फिर दोबारा ना तो हमें बंद ही करवाना पड़ेगा एसी। सर सर ये देखिए स्टार्ट हो चुका है, आउटडोर पूरी स्टार्ट हो चुकी है। एम्पियर मीटर ये टेस्ट करते हैं, बहुत आराम से करना पड़ेगा नहीं तो वायर हिल जाएगी, तो फिर हमारा काम बिगड़ सकता है। कि 5.9 और एसी हमारा सही हो चुका है। कभी कभी छोटे छोटे फॉल्ट भी आ जाते हैं, कूलिंग भी प्रॉपर आ रही है, गैस आप देख सकते हैं कितनी जाएगी पड़ेगी। ये आ गया आपका 60 के करीब। एसी का तो प्रॉब्लम दूर हुआ, नहीं ऊपर नहीं है यार पेचकस, उसमें नहीं आ रहा।
लो चलो इस तरह से सारा उठा इसको यहाँ रख लेते हैं साइड में, छोटी सी जगह है। मुंह में लग गया क्या कुछ? तवाइल निकल गया इससे, रेंच दे दियो जरा। टूट तो गया लेकिन देख लेते हैं फिर भी लीकेज तो नहीं है, लीकेज नहीं है, बाद में लगा देंगे। तो प्लास्टिक वाले में यही प्रॉब्लम है ऐसा सिंह भाई साहब का कहना है। चलो मैम इस वाले एसी में क्या प्रॉब्लम बताया इन्होंने, यहाँ दो माइक्रोमैक्स के एसी हैं, ये भी माइक्रोमैक्स का एसी है, प्लास्टिक वाला नहीं, प्लास वाला नहीं। ये लोहा लग रहा है, वो लग रहा है मुझे क्या? ये ओरिजिनल है। हाँ ये थोड़ा हल्का है, प्लास्टिक तो इतना भारी था वो। इसमें भी गैस चेक करते हैं, गैस तो ऑलमोस्ट सही है, तो कूलिंग का प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? इसे भी ऑन करवाते हैं मैम। कई लोग ये भी क्लेम कर देते हैं हमारा एसी आपने खराब करा, सही करा की जगह खराब कर दिया। गैस तो सही है इसमें, सही था भी ये। हाँ फिलहाल यहाँ काम पूरा हो गया है, अब चलते हैं नेक्स्ट कंप्लेंट पर। ये वाला तो काफ़ी अच्छा कूलिंग कर रहा है, इसके पाइपों में भी अच्छी खासी कूलिंग आ गई है।